हेलो गाइस, और इस बार हम लोग पाइथन एरर्स पे बात करेंगे। तो फिर पाइथन एरर्स में मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर नंबर वन, क्योंकि ये बहुत लोगों के पास आता है। तो फिर क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैं ना पाइथन शेड खोलूंगा। तो फिर यहाँ पे मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन लिख दूंगा। यहाँ पे पाइथन मेरा खुल गया है। अब इसके साथ करेंगे क्या कि यहाँ पे सबसे पहले मैं इम्पोर्ट करूँगा अरुण नाम के मॉड्यूल को। ये बहुत ही खास मॉड्यूल है, किसी को नहीं मिलता, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं मिला है। तो मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल नेम्ड अरुण। तो फिर यहाँ पे देखिए एरर मिला है मुझे, तो फिर यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। तो फिर देखिए ये मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, तो फिर यहाँ एरर आता कब है? मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए विनोद कौन है, विनोद, तो फिर आप कहेंगे विनोद कौन है, हमें तो नहीं पता। तो फिर यहाँ पे यही हो रहा है कि इसको पता नहीं है ये मॉड्यूल कहाँ है, ये मॉड्यूल इसमें इंस्टॉल नहीं है, यानी कि इसको कोई मॉड्यूल नहीं मिला है, मतलब कि आपका मॉड्यूल इसमें इंस्टॉल नहीं हुआ अभी तक, यानी कि अभी तक आपने मॉड्यूल इसको डाला ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे जो है मैं इसको क्विट कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पे जो मैंने क्विट कर दिया है, तो फिर अब आपको करना क्या है कि जो मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना है, आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल, जो आपका मॉड्यूल है गड़बड़ हो गई। तो फिर आप कहोगे कि अरुण नाम का मॉड्यूल क्या सच में पाई पाई पे है? तो फिर मुझे भी नहीं पता है कि पाई पाई पे अरुण नाम का मॉड्यूल मिलता भी होगा कि नहीं। अरे इसका तो मॉड्यूल है, सिल दीजिए। और अरुण को ये कलेक्ट करने लगा है और कंटिन्यूसली ढूंढ रहा है, और पता नहीं अरुण मॉड्यूल से क्या करता है। तो फिर थोड़ा सा पता लगाते हैं हम लोग भी कि आखिर अरुण मॉड्यूल से होता क्या है। तो फिर यहाँ पे पाई पाई पे जाएंगे और अरुण सर्च करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अरुण नाम का मॉड्यूल है। तो फिर अरुण क्या करता है देखते हैं। बीएसडी लाइसेंस, ये करता क्या है? प्लीज ऐड योर सेल्फ इन अल्फाबेटिकली व्हेन यू सबमिट योर फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट। यहाँ पे करते क्या है इस मॉड्यूल को मुझे कुछ नहीं पता। इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ेगा, होम पेज पे। तो फिर उस पर 6 स्टार्स भी मिले, मेरे नाम का मॉड्यूल भी फेमस है, गजब है। लीजिए ये एरर फेंक दिया है, कर भी जायज है, रन टाइम एरर है, मतलब कि रन टाइम नहीं कंपाइल एरर है सी मेक का। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर करना क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि कोई भी मॉड्यूल होता है आपके पास इंस्टॉल नहीं है, तो फिर आपको उसको इंस्टॉल करना रहता है एक्सटर्नल मॉड्यूल। पाइथन इनबिल्ट मॉड्यूल्स देता है, लेकिन काफ़ी मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं, एक्चुअली मॉड्यूल्स की पढ़ाई आप करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा इसमें मॉड्यूल्स का रोल क्या होता है। तो फिर हम लोग जो है पाइथन में जाएंगे और सबसे पहले इम्पोर्ट करूँगा मैं रिक्वेस्ट। देखिए आराम से इम्पोर्ट हो जाएगा, लेकिन रिक्वेस्ट जो है थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, यानी इसको मैंने इंस्टॉल किया है। अगर ये इंस्टॉल नहीं रहेगा तो ये मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर फेंकेगा। तो फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते क्या है? जो साइड पैकेजेस में होते हैं वो थर्ड पार्टी मॉड्यूल होते हैं, जिनको इंस्टॉल करना पड़ता है। और अगर आप थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करते हैं और वो साइड पैकेजेस में नहीं है, तो वो मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर फेंकते हैं। तो फिर आप कहेंगे साइड पैकेजेस कहाँ हैं? तो फिर अगर आप अपने कंप्यूटर में जाएंगे और सी यूजर्स, और आपका जो एडमिन है, मेरा एबीसी है, आपका कुछ भी हो सकता है, और एबीसी और ऐप डाटा में जाएंगे, इसके बाद लोकल पाइथन में जाएंगे, लोकल प्रोग्राम्स में जाएंगे। फिर हम लोग बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आज। तो फिर यहाँ पे प्रोग्राम्स में जाएंगे, यहाँ पे पाइथन में जाएंगे, और फिर पाइथन 36 जो मेरा है। और यहाँ पे देखिए आपको ये देखिए यहाँ पे लिब में आपके जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो आपको पहले ही प्रोवाइड किए गए हैं पाइथन में, जैसे कि यहाँ पे देखिए सारे मॉड्यूल्स आपको दिख जाएंगे ऊपर, लेकिन थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स साइड पैकेजेस में होते हैं। तो फिर साइड पैकेजेस ये रहा। तो फिर यहाँ पे जो है मैं दिखाता हूँ, ये देखिए सारे के सारे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं जो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने लगभग बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेसेसरी मॉड्यूल्स मेरे में इंस्टॉल ही हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए एक तरीका क्या है, आप खुद का मॉड्यूल बना सकते हैं, और दूसरा तरीका है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इम्पोर्ट करूँ, कुछ भी इम्पोर्ट कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए मैं एकदम आसान तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अंदर जो मॉड्यूल होगा वो आपको उसमें दिखेगा, यानी कि आप जो मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं वो इसी में आता है। और अगर ये इसमें नहीं है तो फिर ये कैसे पता करेगा कि इसमें कोई मॉड्यूल है? तो फिर हम लोग जो है, तो मैं आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। ओपन कमांड विंडो हियर से मैं एक पाइथन से फाइल में खोलूँगा, जिसमें मैं क्या करूँगा कि ओपन करूँगा मैं अरुण नाम के मॉड्यूल को, और उसको जो है हम लोग राइट मोड में ओपन करेंगे। तो फिर मैंने इसको ओपन कर दिया और यहाँ पे मेरा अरुण नाम से मॉड्यूल बन चुका है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अरुण 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 और ये अरुण, ये देखिए अरुण नाम का मॉड्यूल है जिसमें कुछ नहीं है। अब मैं अगर इसको एडिट कर दूँ, जैसे कि अगर मैं इसमें लिख दूँ प्रिंट हेलो आई एम अरुण मॉड्यूल, ये देखिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, और अब हम लोग जो है इसको रन करेंगे, अब देखिए क्या होगा। ये देखिए हेलो आई एम अरुण मॉड्यूल।
अब अगर मैं कहीं से भी, अब देखिए मैंने इसको साइड पैकेजेस में दिया भी, साइड पैकेजेस में ढूंढने का क्या, अरुण नाम का मॉड्यूल है अगर है तो हम उसको इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट अरुण। अब देखिए मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, क्योंकि अरुण यहाँ पे एक लोअर केस में है जबकि मैंने अपर केस में अरुण को किया था, फिर इम्पोर्ट जो हम लोग करेंगे वो इम्पोर्ट जो करेंगे वो अरुण होगा यानी अपर केस में। आपको एक और बात का ध्यान देना है कि आप जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन एक बार देख लें, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन आपको लिखना कुछ और पड़ता है और इंस्टॉल कुछ और होता है। देखिए हेलो आई एम अरुण मॉड्यूल, देखिए वही चीज़ हुआ जो इसने तुरंत ही अरुण मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कर दिया अपने शेल में। तो अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आप पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन करते हैं तो फिर स्पीच रिकॉग्निशन ऐसे इंपोर्ट हो जाता है, आई मीन इंस्टॉल हो जाता है ना। तो फिर स्पीच रिकॉग्निशन देखिए इस मॉड्यूल का नाम है, तो फिर अगर मैं पाइथन में जाऊं और इसके साथ ही मैं लिखूं इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन, अब देखिए एरर फिगर नो मॉड्यूल नेम्ड स्पीच रिकॉग्निशन। अब आप लोग कहेंगे कहाँ गया मॉड्यूल, क्योंकि इसमें इसकी वो बदल जाती है कि इसको इंपोर्ट कैसे करना है, कि इसका प्रॉपर्टी बदल जाती है अंदर इंस्टॉल हो जाती है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इंपोर्ट कर देंगे स्पीच रिकॉग्निशन, अब देखिए आराम से इंपोर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये इंस्टॉल होने के बाद इसका नाम चेंज हो गया। मैं भी आपको डॉक्यूमेंटेशन अगर हम लोग स्पीच रिकॉग्निशन की देखें इंपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, तो फिर यहाँ पे जो है मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, अब देखिए यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन पहले ही है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप नीचे जाएंगे तो फिर यहाँ पे आएगा इंपोर्ट करने के लिए, देखिए ये इंस्टॉलेशन किसी और तरीके से करना है और इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एज ए सार, देखिए ऐसे इंपोर्ट किया है। क्योंकि आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन तो देखिए, आप यूट्यूब पे डायरेक्ट वीडियो सर्च करने लगते हैं, थोड़ा सा आपको नॉलेज भी बटोरना होगा, तो फिर यहाँ पे थोड़ी नॉलेज अगर आप लेंगे तो फिर स्पीच रिकॉग्निशन ऐसे इंस्टॉल होता है लेकिन इंपोर्ट ऐसे होता है। ये बात समझ में आई? अगर आई है तो फिर कमेंट कर दीजिए, कमेंट में आप लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ। आप मेरे चैनल पर जाइए और करना क्या आपको कि बहुत ही सिंपल काम करना है, आपको जाना है और जो मैंने अभी हाल ही में 14 मिनट पहले वीडियो अपलोड किया है, अगर आपको समझ आया है तो आप यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले आपको क्या लिखना है मैं बताता हूँ आपको, ये लिखना है अगर आपको समझ आया तो, वरना आप अपना एरर दे सकते हैं, है ना। तो फिर चलिए इसको मैं पिन कर देता हूँ, तो फिर पिन आप यही काम करेंगे अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक नहीं मांगूंगा मैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप समझ रहे हैं, तो फिर बात खत्म करते हैं। तो फिर आपको समझ आ गया कि आखिर मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर होता क्या है, यानी कि वो मॉड्यूल आपके लाइब्रेरी में इंस्टॉल नहीं है या तो वो पाथ में नहीं है। तो फिर ये सिंपल सा आप वर्चुअल इन्वायरमेंट भी बना सकते हैं। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट टाइम।